जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, जिस तरह से आज सरकार ने फैसला किया है, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक लंबे समय से इंतजार था, 70 साल से ये मांग थी बीजेपी की, आज इस मांग को पूरा किया है, विपक्ष तमाम विरोध कर रहा है, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने सदन में भी बोला, और ये निर्णय मेरे विचार से UPA 1 में ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 1995 में जब मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ की जुडिशरी की जो एसोसिएशन है, जजेस की एसोसिएशन, उन्होंने मुझे, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप ये धारा 370 कश्मीर में से हटा दें तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह से इतना बड़ा डिसीजन लोग सोच नहीं पा रहे, समझ अभी भी विपक्ष समझ नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि ये काला अध्याय है, तमाम बातें, ये डिसीजन लेना कितनी बड़ी बात है आज भी? नहीं, यही तो बड़ी बात है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पहली बार पिछले 2014 से सरकार जो है इस देश में वो कुछ निर्णय ले रही है। अच्छा, निर्णय लेगी तो कुछ निर्णय ठीक होंगे, गलत भी होंगे, हम उसमें नहीं मान वो कहते, उस मेरिट में नहीं जाते, लेकिन ये एटलीस्ट नरेंद्र मोदी सरकार निर्णय ले रही है, पिछले जो चीज़ें इतिहास में गलत हुई हैं उनको ठीक, ये उसमें से एक निर्णय है। कितना बड़ा फैसला मानते हैं? ये बहुत बड़ा फैसला, मैं तो कहता हूँ 1947 के बाद आज़ाद भारत में पॉलिटिकल फैसला ये सबसे बड़ा है। पास हो जाएगा आपको उम्मीद है? बिल्कुल, 100%।